शेख हसीना जी भी थे, उन्होंने भी अपने भाई की तरह मुझे माना। और इतने में एक उनको एक नेशनल बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग था हसीना जी के पास, उन्होंने मुझे दिया और शेख हसीना बोला इसको हमारे घर के ऊपर लगा दो। शायद मैं पहला आदमी था कि जो बांग्लादेश का आज़ादी का दिवस जो फ्लैग है झंडा है वो मैंने उनके घर के ऊपर लगाया। ये है कर्नल अशोक तारा, जिन्होंने शेख हसीना के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी सुनने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं उस ऐतिहासिक पल पर जिसने दो देशों और दो जीवन को गहराई से जोड़ दिया। मार्च 1971 से जनवरी 1972 तक बांग्लादेश की स्वतंत्रता की जंग ने इतिहास को एक नई दिशा दी, लेकिन इस संघर्ष की जटिलता और वीरता की कहानियां केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। एक ऐसी ही कहानी है रिटायर्ड कर्नल अशोक कुमार तारा की, जिन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान न केवल बहादुरी दिखलाई बल्कि एक ऐसा मानवीय रिश्ता भी स्थापित किया जो अब तक कायम है। तो चलिए सुनते हैं कर्नल अशोक तारा को। देखिए, मैं बांग्लादेश की लड़ाई में मार्च 71 से लेकर जनवरी 24, 1972 तक रहा। उसके अंदर मैंने मुक्तिवाहिनी का ट्रेनिंग दिया। मुक्तिवाहिनी के साथ में ईस्ट, उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ गया और बांग्लादेश की और जो ईस्ट पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी फोर्स थी उन पर फायर किया। उसके जैसे जैसे हालात बदलते गए, बढ़ते चले गए, तो शेख मुजीब रहमान ने जब बांग्लादेश को आज़ादी का नारा दे दिया तो पाकिस्तान की फौज और भी जो लोगों के साथ जो क्रूर हो गए और रिफ्यूजी और आने शुरू हो गए, तो मुझे मौका मिला कि आप इनको भी देखिए और इनको ट्रेन करिए मुक्तिवाहिनी को, जिससे कि वो पाकिस्तान में जाकर उनके ऊपर मुकाबला कर सके। इसी तरह हम करते हुए हम अगरतला में आ गए, वहाँ पर हमने जो रिफ्यूजी थे उनको रिफ्यूजी का लुकआउटर किया, उनको रहने के दिया, मेडिकल दिया, और जो जवान जो चाहते थे उनको हमने वेपन ट्रेनिंग और दूसरी ट्रेनिंग दी जिससे कि वो हमारे साथ रहे। इसी तरह ये जो है लड़ाई चलती रही लोकल बॉर्डर के ऊपर। ये जो लड़ाई थी बाद में जैसे बड़ी बेटर लिबरेशन जो हुई 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, उसमें एक चीज़ हमको बहुत याद रखनी है कि जब ये लड़ाई थी उसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान वो नहीं था, उसके अंदर सिर्फ बांग्लादेशी नाम से हुआ था। और जो पाकिस्तानी फोर्स थी उन्होंने भी इस चीज़ को देखते हुए जो भी उनके सामने आया उसके साथ उन्होंने बहुत ही एट्रोसिटीज बहुत ही जुल्म के साथ किया। और ये जो आज़ादी उनको मिली वो एक बांग्लादेश में सब धर्मों के अंदर बांग्लादेश आज़ाद करने की थी। यही कारण है कि जब शेख मुजीब रहमान आप आए तो उन्होंने गणतंत्र राज को ही बनाने की कोशिश की, लेकिन जो पाकिस्तान लड़ाई में हार गया था वो इस चीज़ को नहीं चाहता था। वो इस्लामिक मुस्लिम जो ISI ये जो चाहते थे कि ये जो है इस्लामिक डोमिनेट रहे, पाकिस्तान की बात सुने। जब उनको डेथ के बाद एसेसिनेशन के बाद जब दोबारा शेख हसीना बनी, इन्होंने भी क्योंकि उस जुल्म से गुजरे हैं, इनके भी जान पहचान वाले और दूसरे, इनको मालूम है आज़ादी के अंदर हर धर्म हर कौम कम जो जात का आदमी था, इसीलिए इन्होंने डेमोक्रेसी गणतंत्र राज बांग्लादेश के अंदर स्थापित किया। लेकिन जो पाकिस्तान और जो इस्लामिक कंट्रीज चाइना और अमेरिका जो पावरफुल कंट्री हैं जो डोमिनेट करना चाहती हैं दुनिया को, उनको ये डेमोक्रेटिक पसंद नहीं आया और उन्होंने मिलकर ही जो है इस जो बांग्लादेश में अभी हालात हो रहे हैं वो पैदा किए, जिससे कि शेख हसीना या गणतंत्र राज हम ये बोलना चाहिए वो जो है ख़त्म किया। और अभी मिलिट्री रूल या इस्लामिक रूल या ऐसा रूल आएगा जो कि एंटी इंडिया होगा। देखिए, 71 लड़ाई में पहले 3 दिसंबर को हमें एक बैटल ऑफ गंगा सागर लड़ी, जो उसमें मुझे वीर चक्र मिला था। उसके बाद जैसे बड़े 16 दिसंबर को सरेंडर हो गया। 17 दिसंबर सवेरे मुझे खबर मिली कि जो शेख मुजीब रहमान फैमिली है वो कैद पाकिस्तानी कैद में है, शायद उनको मार दिया जाए। और मुझे जब मैं गया तो मेरे साथ सिर्फ 2 जवान थे और वहाँ मुझे रोक दिया गया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी कि ये जहाँ जाता है घर के नज़दीक उसको गोली से मार देते हैं। तो ये देखते हुए समय को देखते हुए मैंने फौज के बूढ़े अफसरों को नहीं बताया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता उसमें,
मैंने अपना हथियार अपने जवानों जो दो जवान थे उनको दे दिया और बिना हथियार के मैं उस घर की तरफ चला और साइकोलॉजिकली उनको जीते उनको मैंने बताया कि आप सरेंडर कर दें, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने मुझे बहुत गाली दी और भारत के बारे में हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ बोला। लेकिन फिर भी मैं वहाँ खड़ा रहा। इतने में एक हेलीकॉप्टर आया, इन भारतीय हेलीकॉप्टर, मैंने बताया देखिए भारतीय हेलीकॉप्टर ढाका के ऊपर और मैं आपके सामने यूनिफॉर्म के अंदर बिना हथियार के हूँ। फिर भी वो नहीं माने। फिर मैंने उनको, उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई एक जो जो उधर पब्लिक थी उसके ऊपर मुझे डराने को। मैंने बोला आप मुझे अकेला मार देंगे लेकिन आप 10-12 जो हैं इनको आके मुक्तिवाणी या भारतीय फौज मार देगी और आपकी डेड बॉडी का क्या होगा आपको मालूम नहीं, आपकी जो फैमिली पाकिस्तान में वेट कर रही है वो तब भी नहीं डरे। उन्होंने बोला हम अपने सीनियर से पूछेंगे। तो काफ़ी बातें उन्होंने ऊँची नीची बोली, मुझे डराया, हथियार लोड किए और गेट पे जो सेंट्री करता उसकी राइफल का बैनर जो है चौक लगा था वो मेरी बॉडी को टच कर रहा था और मुझे डरा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बोला हम अपने सीनियर से बात करेंगे तो जो घर के अंदर मिसेज मुजीब रहमान और शेख हसीना जी उनकी बहन थी, उन्होंने बोला इनकी इतबार मत करो, ये कभी भी गोली चला सकते हैं, बहुत ज़ालिम आदमी है, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले उनके ऊपर उनको मारने की कोशिश की थी। मैंने भी उनको बोला कि आपके अफसर नहीं मिल सकते, लाइन कट गई है, आप लेट करेंगे तो आपका जो है मार दिया जाएगा और आपकी फैमिली बच्चे जो वहाँ पाकिस्तान इंतजार कर रहे हैं वो नहीं करें। ये 20 से 25 मिनट तक रहा और मुझे हर बार वो थ्रेट करते रहे, गाली करते रहे, हथियार के ऊपर फायर भी किया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैं आर्मी अफसर आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर सरेंडर कर देंगे तो आपको हम आप जो है वापस हेडक्वार्टर में चले जाएंगे, वहाँ से पाकिस्तान बच्चों को उस फैमिली को मिलेंगे। दो बातें कहने के बाद जब उनको थोड़ा विश्वास आ गया तो वो तैयार हो गए। लेकिन मुझे मालूम था दुश्मन है, हथियार लोडेड है, उन्होंने फायर भी किए थे, तो मैंने कहा कि आप हथियार रहने दो और आप नीचे आ जाओ। वो नीचे आ गए, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो शेख जो थी उनकी पत्नी वो आई, उन्होंने मुझे गले लगाया, बोला आप मेरे बेटे हैं। शेख हसीना जी भी थी, उन्होंने भी अपने भाई की तरह मुझे माना। और इतने में एक उनको एक नेशनल बांग्लादेश नेशनल फ्लैग था हसीना जी के पास, उन्होंने मुझे दिया और शेख हसीना बोला इसको हमारे घर के ऊपर लगा दो। शायद मैं पहला आदमी था कि जो बांग्लादेश का आज़ादी का दिवस जो फ्लैग है झंडा है वो मैंने उनके घर के ऊपर लगाया और पाकिस्तान का झंडा मैंने नीचे फेंक दिया, जिसके ऊपर जो शेख मुजीब रहमान की डिसीजन में थी उन्होंने पाँव रखा और जाए बंगला बाकी लोग भी आगे और जो वो थे उनको सरेंडर किया और उनको हेडक्वार्टर हमने भेज दिया। और मेरे पहले तो 2012 में उन्होंने मुझे बांग्लादेश में बुलाया और बांग्लादेश का सबसे ऊंचा अवार्ड फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर दिया। ये लड़ाई के बाद जब शेख हसीना के बाद फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जब भी वो दिल्ली में आए उन्होंने मुझसे मुलाकात किया। और इसके अलावा पीएमओ के ऑफिस के थ्रू उन्होंने दिवाली या ईद या दया साहब उसकी मुबारक मेरे साथ होती रही है। और जो हाई कमीशन इधर है कोई भी फंक्शन या कोई बांग्लादेश का या कोई होता है तो वो हमेशा मुझे बुलाते याद करते हैं। मेरी वाइफ को आबा तारा उसको बुलाते हैं और हम उसको अटेंड करते हैं और ये